एपिसोड का नाम है अथ्रेड डिसेंडेंस द बीस्ट पायरेट्स जैक। एपिसोड के शुरुआत में लॉ जंगल में अपने क्रू को ढूंढने जा रहा होता है, जहाँ पे क्रू मेंबर्स मिल जाते हैं। फिर बोलो बोलता है लॉ से कि यार डोफ्लेमिंगो को यार तुमने हरा ही दिया। लॉ बोलता है हाँ, वो स्ट्रॉ हैट के साथ हरा ही दिया आखिरकार। फिर सीन शिफ्ट होता है राइट फ्रैंक फॉरेस्ट पे, जहाँ पे वांडा उन्हें ले जा रही होती है बेस में। और वहाँ पे यार लूफी खिड़की से बिग ग्रेप्स देखता है, जहाँ पे लूफी जाता है बिग ग्रेप्स के पास और उसका जूस पीने लगता है स्ट्रॉ से। फिर वहाँ पे वांडा उन्हें बताती है, फिर लूफी बोलता है मुझे मजा आ रहा है, फिर वांडा बोलती है मुझे खुशी। फिर वांडा उन्हें एक बात बताती है जहाँ पे 5 वीक पहले अटैक हुआ था, सब लोग खुश थे। फिर बाहर से बीस्ट पायरेट्स आए, उन्होंने पूरी सिटी को तबाह कर, जहाँ पे वो बताती है कोई नहीं वो जैक था और राइजो को ढूंढ रहा था होता, उसके वजह से पूरा आइलैंड तबाह हो गया। बेसिकली गाइस बीस्ट पायरेट्स के जो मेंबर है वो एक निंजा को और एक समुराई को ढूंढ रहे होते जिसका नाम राइजो था, वो उसके वजह से मतलब पूरा आइलैंड तबाह कर देता है जैक, जो कि बीस्ट पायरेट का एक मेंबर है। और वहाँ पे हमें पता चलता है कि मिंक्स के पास एक खास एबिलिटी होती है, जहाँ पे वो बिजली जैसा झटका दे सकते हैं किसी भी आदमी को। उनके पास वो बर्थ से ही एबिलिटी मिलती है। फिर सीन शिफ्ट होता है वांडा की तरफ, वांडा बोलती है कि वो बहुत खतरनाक साइड थी। फिर लूफी बोलता है कि वो वानों से राइजो था, उसे किनेमोन देखना चाहता था राइट। फिर पूरा क्रू परेशान हो जाता है और वो लूफी को मारने लगते हैं। और फिर यार एक सस्पेंस के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है, जहाँ पे वांडा उनके पास देखती है, बड़े ही चौंकने से वांडा देखती है। फिर ये एपिसोड यहाँ पे ही ख़त्म हो जाता है और अगला एपिसोड गाइस इसी चैनल पे मिलेगा। चैनल पे नहीं होता यार सब्सक्राइब।